Assalamu alaikum, my name is Fazlul Wahab. You are watching my YouTube channel. In today's lecture, we are going to explain laws of exponents. Means that we have question number one, and there are three parts of this question. And we have to solve this question, part one, two, and three, by using laws of exponents, okay? So this one is the base, three is the base here, and five is the exponent. In this case, three is the base and two is the exponent. So in all the cases, you see that this one, this a plus b, c plus d, a plus b and c plus b, these are called the bases. And these are the exponents, jisko hum power bhi kehte hain. So these are the exponent 5, 2, 4, 3, 2, these are the exponents. How can we solve these kind of questions? So, jo part 1 hai, hum usko solve kar lete hain. Theek hai? To dekhiye, isme hum ye karenge ke jo base hai, usko same rakhenge. Yahan pe ye dekhiyega ke 3 ki power 5 ya 3 exponent 5 divided by 3 exponent 2. ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है? और जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो उस सूरत में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं डिनोमिनेटर पे जो एक्सपोनेंट आ रहा होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ज़हन में रख लीजिएगा, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं और जो डिवीजन है उसमें एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं. तो यू सी दिस वन, थ्री इज द एक्सपोनेंट, वी विल पुट जस्ट ओनली वन ऑफ द टू बेसिस. Three bases are same, so you will just put only one base and subtract 2 from 5 minus 2, ठीक है? यानी हमने जब दो इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये डिवीजन हो रहा होता है तो डिवीजन की सूरत में हमने बेस एक लगाना होता है और जो न्यूमरेटर के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है उससे डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट माइनस करना होता है, ठीक है? तो ये 3 की पावर 5 माइनस 2, यू गॉट द आंसर विच इज 3 की पावर 3, इन दिस इज द आंसर. दिस इज का आंसर तो 27 आ जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यहाँ पे बताने हैं. तो इसका जो आंसर 3 की पावर 3, अगर फाइनल इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो 3 की पावर 3 मतलब ये कि 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, इन 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, you will get the answer 27. So this will be the answer 3 की पावर 3, ओके? पार्ट 2 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखें इसमें जो बेसिस है वो अलग अलग हैं. पहले ये देखें कि जो 10 है ये इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हम इसको कर सकते हैं. तो उस सूरत में हमने क्या करना है, इसको तोड़ना है. पहले ये देखें, जैसे 3 है तो 3 को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है? 3 ही होता है, 3 वन ज़ा 3, इसके अलावा इसके कोई और फैक्टर्स बन नहीं सकते. इस 2 को मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता, 2 वन ज़ा 2 ही होता है, इसके अलावा कोई दो डिजिट्स 1 के अलावा कोई ऐसे नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करके 2 ले लें, ठीक है? इस तरह से 5 को भी तोड़ा नहीं जा सकता, ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है? तो हमने पहले ये करना होता है, इन क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो बेस होता है उसको हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? प्राइम नंबर्स में. तो जैसे इसके अंदर 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, लेकिन 10 प्राइम नहीं है, ठीक है? तो देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व कर लेते हैं. 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3, और अगर आप इनको कर देंगे तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, देखें 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और होल पावर तो 2 ही है पहले से. तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, देखिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3. अच्छा, ये जो स्क्वायर है या जो 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, ये 2 के लिए भी है और 5 के लिए, दोनों के लिए, ठीक है? तो हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, ठीक है? अच्छा, अब हम ये करते हैं कि देखें, अब यहाँ पर 2 सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो एक्सपोनेंट है 2, 4 से माइनस हो जाएगी. हम एक 2 लगा देते हैं और ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, तो हमने बेस एक ही लगाना है क्योंकि बेस सेम है, तो हमने बेस 2 लगा दिया, और इस डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है उसको हमने न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट से माइनस किया. सेम केस में मल्टीप्लाइड बाई, हम 5 में दोनों 5 सेम है तो हम एक ही 5 लगा देंगे, और ये जो एक्सपोनेंट है डिनोमिनेटर का जो कि 2 है
उसको न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट जो कि 3 है उससे माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2, ठीक है। फाइनली वी विल गेट द आंसर 4 2, एक्सपोनेंट 4 माइनस 2 यू गॉट 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 माइनस 2 इज 1, वी डोंट नीड टू पुट 1, अगर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपका एक्सपोनेंट के लिहाज से, क्योंकि आपने आंसर को एक्सपोनेंट में लेकर आना है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अदरवाइज फाइनल जो सोल्यूशन होगा वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी 2 2 4 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 4 5 20 आंसर होता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर सोचा चूँकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन करने हैं, तो आपका आंसर एक्सपोनेंट के सूरत में ही लिखना आना चाहिए, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम 3 क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें इसमें a प्लस बी एक बेस बन रहा है और एक c प्लस डी बन रहा है, इधर भी a प्लस बी c प्लस, दो बेसिस जो कि डिफरेंट बेसिस हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, एक a प्लस बी आ रहे हैं और एक c प्लस डी आ रहे हैं। तो अभी अब देखें a प्लस बी और 2, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 होता है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट आपको नज़र नहीं आता, इट मीन देर इज द एक्सपोनेंट विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको ऊपर जब लेके जाएंगे डिवाइड हो रहा है ना ये एक्सपोनेंट, ए प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी डिवाइड हो रहा है, तो उसके जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएंगे। ओके, सी प्लस डी प्लस डी और यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर का जो एक्सपोनेंट है वो 3 है और डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो इस तरह से a प्लस बी 2 माइनस 1 इज 1, तो a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह c प्लस डी इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो हमारे पास ये भी 1 आ जाएगा, तो c प्लस डी ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 2 3 4 कोई वैल्यू होती है तो हम उसको लिखते हैं, अदरवाइज लिखने की 1 अगर हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसके पार्ट्स कितने पार्ट्स हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, हम उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास ये कुछ 5 पार्ट्स है जो कि हमने सॉल्व करने हैं। तो उसमें जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, वो हमारे पास है -4/5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -4/5 की पावर 5। तो ये देखें, ये दोनों बेसिस में आपके पास क्या आ रहा है, -4/5 इज द बेस बोथ केसेस, इसमें भी -4/5 है, इसमें भी -4/5 है, और चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें से -4/5 जो फर्स्ट पार्ट है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5 का ये पावर 3 है, ये पावर 5 है, तो इनमें से कोई एक आप बेस लगाइएगा -4/5, और जो चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉ ये है कि जब कोई दो चीज़ें, दो नंबर्स आपस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं आपस में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह वी विल गेट द आंसर -4/5 की पावर 8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पार्ट 2 हमारे पास होगा, वह -3 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर की पावर क्यूब हमारे पास आ रहा है।
तो ये देखिए ये क्यूब दोनों के लिए, माइनस थ्री के लिए भी ये क्यूब है और फाइव के लिए भी, ये फाइव स्क्वायर के लिए भी ये क्यूब है, ठीक है। तो हम ये करते हैं, पहले इसको सेपरेट कर दें, माइनस थ्री का क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय फाइव स्क्वायर का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब दोनों के लिए है तो इसलिए दोनों के लिए। अब क्या कीजिएगा, ये माइनस थ्री की पावर थ्री इज माइनस थ्री की पावर थ्री वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, फाइव की पावर टू थ्री ज़ा सिक्स। अब एक और लॉ है, वो लॉ ये है कि दो एक एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट है, जैसे ये देखें एक्सपोनेंट टू भी एक्सपोनेंट है और इसका एक और एक्सपोनेंट है वो क्यूब है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टू थ्री ज़ा सिक्स और ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस थ्री की पावर फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव की पावर सिक्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से पार्ट थ्री हमारे पास जो आ रहे हैं, पार्ट थ्री जो हम सॉल्व करते हैं, माइनस ए अपॉन बी सी की पावर फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए अपॉन बी सी की पावर फोर। ये दो, इसमें बेस माइनस ए अपॉन बी सी है, इसमें भी माइनस ए अपॉन बी सी है और दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स है वो आपस में प्लस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये माइनस ए अपॉन बी सी और एक्सपोनेंट के साथ हम क्या कर देंगे, फाइव प्लस फोर, दोनों सेम हैं मल्टीप्लिकेशन की सूरत में, तो ये जो इसमें से बेस हमारे पास एक आ जाएगा और एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से माइनस ए अपॉन बी सी और जो एक्सपोनेंट्स है वो फाइव प्लस फोर नाइन इज़ द आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है पार्ट थ्री। पार्ट जो फोर है, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगले पेज पे कर लेते हैं पार्ट फोर को। ओके, पार्ट फोर हमारे पास आ रहे हैं, टेन एक्स की फोर की फोर वाई की सिक्स जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई क्यूब, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखें कि एक्स एक्स दो बार आ रहे हैं, वाई और वाई दो बार आ रहे हैं और ये साप इन्हें आपस में जब कोई साइन नहीं है तो ये आपस में एक्चुअली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स की फोर टेन एक्स की फोर वाई की सिक्स एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई क्यूब, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की सूरत में जिसका बेस सेम हो उनके पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, तो टेन तो एक ही है तो हम एक लगा देंगे, एक्स हमारे पास दो है, एक्स की पावर फोर प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स की फोर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो चूंकि बेस सेम है तो बेस हमने एक लगा दिया और जो एक्सपोनेंट्स है वापस में प्लस हो जाएंगे। सिमिलरली जो वाई है, वाई के भी दो है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, उनको हम प्लस कर देंगे, सिक्स प्लस थ्री क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी आपस में प्लस हो जाएंगे, और हमारे पास जेड है तो जेड स्क्वायर तो एक ही है तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट द आंसर, टेन एक्स की सिक्स y की 6 प्लस थ्री नाइन और z स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से पार्ट फाइव अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो पार्ट फाइव हमारे पास आ रहा है, वो है माइनस ए अपॉन बी सी, ओके सॉरी, ये माइनस माइनस वन अपॉन m की पावर फोर, ये माइनस और ये माइनस वन अपॉन एम की पावर फोर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय माइनस और वन अपॉन एम की पावर फाइव है मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन अपॉन एम की पावर थ्री। तो चूंकि इसमें जो बेस हमारे पास, ये माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा ये वाला, इसको हम नहीं छेड़ लें, माइनस अपनी जगह पे, इनमें ये बेस देखिएगा कि ये बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, माइनस वन अपॉन एम इज़ द बेस, माइनस वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन एम जो उसके एक्सपोनेंट से आपस में प्लस हो जाएंगे। तो माइनस वन अपॉन एम हमने एक लगा दिया और जो एक्सपोनेंट्स है वो फोर प्लस फाइव प्लस थ्री, तो ये माइनस अपनी जगह पे रहेगा
or minus 1 upon m ki power 4 plus 5, 9 plus 3, 12. 12 is the answer. ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास ये answer exponents के form में ये answer आ जाएगा. मजीद अगर आप solve कर लेते हैं, तो ये minus 1 upon m की power जब even में आ जाती है, तो ये sign, जो minus sign होता है base का, वो plus में convert हो जाता है. अगर ये odd में रहता है, तो फिर वही के वही रहता है. जिसे minus है, तो minus रहता है. अगर plus है, तो plus रहता है. लेकिन अगर ये base आपके पास negative में है, और exponent even number है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 वगैरह इस तरह का कोई number है, तो फिर वो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसे इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, जो कि मैं मेंशन नहीं कर रहा, आंसर अभी यही आएगा, लेकिन फाइनल आंसर फिर ये हो जाएगा कि जैसे माइनस अपने जगह पे है, और ये माइनस 1 अपॉन m की पावर 12 इज 1 अपॉन m की पावर 12 हो जाएगा. तो फाइनल आंसर हमारे पास फिर इस तरह से आ जाएगा, जैसे ये आंसर आ रहा है. ठीक है, सॉल्यूशन बल्कि आप इसको लगा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से आप आंसर उसको लेके आ सकते हैं 12, क्योंकि माइनस है और पावर जो एक्सपोनेंट है वो इवन में है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और इस तरह से माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा. और माइनस प्लस में क्यों कन्वर्ट होता है, थोड़ा सा इसको भी जरा अंडरस्टैंड करें. क्योंकि अगर आपके पास ओड नंबर में माइनस आता है, मिसाल के तौर पर आपके पास 3 माइनसेज है, ठीक है, लेट्स से माइनस 1 की पावर 3 है, तो उस सूरत में क्या होता है कि माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. ठीक है, तो इससे फिर क्या होता है कि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस. ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास माइनस में आता है ओड में. लेकिन अगर आपके पास ये इवन नंबर में है, तो एक और माइनस शामिल कर दीजिएगा. लेट्स से इसको 4 कर दिया हमने, तो देखिए माइनस माइनस प्लस. देखिए इवन नंबर 2 हो गए तो प्लस हो जाता है, जैसे 3 हो गए तो माइनस हो जाएगा, जैसे फिर 4 हो जाएंगे तो फिर प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस. तो ओड में हमेशा के लिए जो बेस होता है वो जो भी साइन होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा. लेकिन इवन नंबर में ये आपके पास प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए ये जो माइनस 1 अपॉन 12 है, चूंकि एक्सपोनेंट इवन में है, इसलिए प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस तो अपनी जगह पर रहेगा, तो फाइनल आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा. ठीक है, तो ये थे कुछ 2 क्वेश्चंस जो कि हमने सॉल्व कर दिए. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन है जिसके कुछ पार्ट्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू.